नमस्कार, एवन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं की डेट्स घोषित हो चुकी है। अब सभी लोग तैयारी में जुट चुके हैं, ये सोचने को आ चुके हैं कि अब तैयारी कैसे की जाए। उसी को देखते हुए हमने एक मुहिम चालू करी है, जिसमें हम आपको राजस्थान बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर कराएंगे। आज हम 12th मैथमेटिक्स का 2019 का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड के पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन को अलग तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। एक एक सेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट है उसे नोट करते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। RBSC क्लास 12th मैथमेटिक्स पेपर 2019। क्वेश्चन नंबर 1। इफ एफ इज आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी आर टेंड्स टू आर, gx is equal to x square, find gofx। gofx का मतलब होता है कि g के अंदर fx, मतलब जहां g के अंदर x था वो gx था ना, उसकी जगह अब fx होना चाहिए। मतलब जहां x है वहां क्या होना चाहिए, fx। और हमें क्या दे रखा है, fx is equal to sin x। तो जी के अंदर एक्स की जगह आप लिख दीजिए साइन एक्स, वो एक्स स्क्वायर था तो इसको अभी स्क्वायर कर दीजिए आप, तो जी एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बस एक्स की जगह आपको एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। सेकेंड क्वेश्चन में सिंपली हमें चेक करना है कि टेन इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4। कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होती है, पाई बाय 4। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 लिख दी, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 की पाई बाय 4, साइन पाई बाय 2 आ गया, उसकी वैल्यू हो गई 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए प्लस बी 4 माइनस 3 ए बी इज इक्वल टू 6 4 माइनस 3 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये दो इक्वल मैट्रिक्स हमको गिवन है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए, ये a प्लस बी किसके इक्वल है, 6 के, और ए बी किसके इक्वल है, 8 के। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8। तो b क्या आ गया, 6 माइनस ए। आप इस इक्वेशन में b की जगह लिख दीजिए 6 माइनस ए, तो आ गया 6 a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 8। तो आपके पास a की दो वैल्यू आ जाएगी, 2 और 4। जब a 2 होगा तब b क्या होगा, 4, और जब a 4 होगा b होगा 2। इनका सम 6 है और प्रोडक्ट 8। क्वेश्चन नंबर 4। इफ मैट्रिक्स a इज दिस, फाइंड a इनवर्स। जब भी आपको इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 10th की आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आप कॉस थीटा और कॉस थीटा को तो इंटरचेंज कर दीजिए और इन एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए। इसका और इसका पोजीशन इंटरचेंज करना है, ये कॉस कॉस है तो इधर जाके भी कॉस कॉस हो गया, इन दोनों का साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
आपका इनवर्स क्या होता है? व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. अब डिटरमिनेंट वन है, वन से आप किसी को भी डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या रहेगा? वही होगा. तो आपका ए इनवर्स भी यही है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x डीएक्स. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. आप ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखें, आपके बहुत काम आएंगे इंटीग्रेशन में. स्पेशली 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के, आपने 11th में पढ़े थे. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर. टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो गया. ये दोनों फॉर्मूलाज आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लें, याद कर लें, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2i माइनस जे एंड i प्लस 2j. एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए. एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी. तो ए डॉट बी होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ कोफिशियंट मल्टीप्लाई होते हैं. 2 वन जा इज 2, माइनस 2 0. इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0, कॉस थीटा इज 0, और कॉस थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पर, पाई बाय 2. क्लियर है? बहुत सिंपल है. जब भी एंगल निकालने को बोला जाए, आप क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. इफ ए वेक्टर इज 10, बी वेक्टर इज 2 एंड ए डॉट बी वेक्टर इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. अब ये हमें साइन थीटा जो दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा. तो हम क्या निकालेंगे? कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर. हमें अपने फॉर्मूला से पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करेगा. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें 12 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका मैग्नीट्यूड 2. तो हमारा आंसर आता है 3/5. इफ कॉस थीटा इज 3/5, तो साइन थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25. तो हमारा साइन थीटा आ गया रूट 16/25, विच इज 4/5. हमें कंफ्यूज नहीं होना, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है. साइन कब आता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 100 एंड 011. तो ये टू पॉइंट फॉर्मूला है. आपको दो पॉइंट दे रखे हैं एक लाइन के. वो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन. ये आपका एक्स वन वाई वन जेड वन है और ये एक्स टू वाई टू जेड टू. आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है इनकी. तो एक्स माइनस एक्स वन इज 1, एक्स टू इज 0 माइनस 1, वाई माइनस वाई वन इज 0, वाई टू इज 1, वाई वन इज 0,
जेड माइनस जेड वन जीरो, जेड टू वन ये जीरो। तो आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वाई अपॉन वन इज इक्वल टू जेड अपॉन वन। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम एन होते हैं। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन। क्लियर है, बस टू पॉइंट फॉर्मूला आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नाइन, शो दैट द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स, टू एक्स प्लस थ्री वाई शुड बी लेस देन सिक्स। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए पहले आप चेक करें कि ये ट्रू है या फॉल्स। वो कैसे चेक करते हैं, आप एक्स की जगह जीरो पुट कीजिए। जब हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो सिक्स से छोटा है, यस, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स की। एक्स और वाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर एक्स जीरो है तो वाई क्या है, टू। अगर एक्स थ्री है तो वाई है जीरो। अगर एक्स सिक्स है तो वाई है माइनस टू। ठीक है, अब आइए इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो हमारे पॉइंट्स निकल के आए थे 0.2, 3.0 और 6.-2। अब आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, हम सिक्स तक ले जाते हैं इसको, फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो 0.2 मतलब एक्स से जीरो वाई से टू, ये पॉइंट हो गया। 3.0 और 6.-2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन ट्रू है तो हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या था, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी ए इज 0.6, पी बी इज 0.3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.2, फाइंड पी ए डैश बी। अब फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने पी ए दिया है। पी ए की वैल्यू किसी काम की नहीं है, पी ए बाय बी का फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो 0.2 अपॉन 0.3 विच इज 2/3। सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन ए वन मार्क क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में आपका ये सेक्शन 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाए, ताकि हम टाइम को जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए मैनेज कर सकें। अब हम सेक्शन 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टू मार्क क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, देन फाइंड एफ 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 एक्स। पहले हम इसमें एफ एफ एक्स निकालेंगे, मतलब जहां एक्स है वहां पूरे एफ की वैल्यू पुट कीजिए। आपने पुट कर दी, जहां भी एक्स है पूरा एक्स पुट होगा। तो ये आ गया एक्स माइनस थ्री, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स
प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम ले लिया, इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच जाएगा माइनस टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन टू एक्स माइनस टू। हमारा एफ ऑफ एफ एक्स आ गया माइनस टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन टू एक्स माइनस टू। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस टू कॉमन एक्स प्लस थ्री, टू कॉमन एक्स माइनस वन, टू से टू कैंसिल, माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। हमारा एफ एक्स क्या था, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। अब हमें एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स में पुट करनी है, मतलब इसके एक्स की जगह आपको ये पुट करना है। तो हम पुट करेंगे माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन। तो हमारा आंसर आ गया माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। हम लोग कैंसिल करते हैं, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, थ्री से माइनस थ्री कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस फोर एक्स अपॉन माइनस फोर विच इज इक्वल टू एक्स। सिंपली पहले आप एफ एफ एक्स निकालिए, जो वैल्यू आया उसको आप एक्स की जगह एफ एक्स में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए मैट्रिक्स इज 2 3 माइनस 1 4 एंड बी मैट्रिक्स इज 1 माइनस 1 2 5, प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, 2 3 माइनस 1 4, बी ट्रांसपोज 1 माइनस 1 2 5। तो हमें क्या करना है, पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, टू थ्री माइनस वन फोर मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वन टू फाइव विच इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स माइनस टू प्लस फिफ्टीन माइनस वन प्लस एट वन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू एट थर्टीन सेवन ट्वेंटी वन। ये हमारा ए बी आ गया, तो हमारा ए बी आ गया एट थर्टीन सेवन ट्वेंटी वन। हमें निकालना है ए बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, एट थर्टीन सेवन ट्वेंटी वन, बस आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो हमारा बी ट्रांसपोज क्या है, वन टू माइनस वन फाइव, और ए ट्रांसपोज टू माइनस वन थ्री फोर। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू जा इज टू प्लस सिक्स माइनस वन प्लस एट माइनस टू प्लस फिफ्टीन और वन प्लस ट्वेंटी, तो आ जाएगा एट सेवन थर्टीन ट्वेंटी। तो हमारा बी टी डॉट ए टी मतलब बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज और ए बी डैश की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 13। इफ फंक्शन एफ एक्स
इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स के इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें हमें लिमिट का कुछ यूज करना पड़ेगा। साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, तो एज इट इज कंटिन्यूअस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, साइन एक्स बाय एक्स की जगह हम 1 लिख सकते हैं, कॉस 0 भी 1 होता है, इज इक्वल टू आर एच एल क्या है के, 2 इज इक्वल टू के। हमने दो प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किए हैं, एक तो फॉर कंटिन्यूटी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स अपॉन 3 प्लस, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में कि सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है टेन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। क्लियर? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के 1 2 2 3 माइनस 2 1। अब आप इस डिटरमिनेंट को खोलिए तो आई कैप 2 2 माइनस 2 1 माइनस जे कैप 1 2 3 1 प्लस के कैप 1 2 3 माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 6i कैप माइनस जे कैप ब्रैकेट में 1 माइनस 6 इज -5 प्लस के कैप -2 -6 विच इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा रूट 36 प्लस 25 प्लस 64 125 5 रूट 5। तो आपका एरिया हो गया 5 रूट 5 का हाफ, 5 रूट 5 बाय। क्लियर है? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका हाफ करना। हम सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। सेक्शन सी में आप फॉर्मूलाज को राइट में लिखिए और कोशिश कीजिए कि एक एक स्टेप को आप ढंग से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये 3 मार्क क्वेश्चन है, इसमें आपका प्रेजेंटेशन एग्जामिनर बहुत ध्यान से देखने वाला है। शो दैट कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो हम एलएचएस साइड को प्रूव करेंगे, तो हम जानते हैं कॉस में है और ये टेन में, हमें इसको भी टेन में कन्वर्ट करना है। तो इस ट्राइंगल में अगर ये 65 है, ये 63 है, आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो ये 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 16 अपॉन 63 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। टेन इनवर्स 16/63 प्लस टेन इनवर्स
2x 2 into 1 by 5 on 1 minus 1 by 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 10 inverse 16 by 63 प्लस 10 inverse 2 by 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 upon 24, विच इज 5 by 12. तो 10 inverse 16 upon 63 प्लस 10 inverse 5 by 12 हमारा आ गया. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे 10 inverse x plus 10 inverse y, विच इज इक्वल टू 10 inverse x plus y upon 1 minus x y. तो ये आ गया 10 inverse 16 by 63 प्लस 5 by 12 ऑन 1 minus 16 by 63 इंटू 5 by 12, विच इज इक्वल टू 10 inverse. एलसीएम लेते हैं हम, 16 into 12 प्लस 5 into 63 अपॉन 63 into 12 बाय 63 multiplied by 12 माइनस 80 अपॉन 63 multiplied by 12. इससे ये कैंसिल, तो हमारा ये आ गया 10 inverse 192 प्लस 315 अपॉन 756 माइनस 80, विच इज इक्वल टू 10 inverse 507 बाय 676. इसको अगर हम 169 की टेबल से काटते हैं तो ज्यादा 10 inverse 3 by 4. लेकिन हमें आंसर चाहिए साइन में, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 by 5. हमें यही प्रूफ करना था, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट 1 plus a b c a a 1 plus b b c 1 plus c is equal to 1 plus a plus b plus c. तो ये हमारा डिटरमिनेंट है 1 plus a a a b 1 plus b b c c 1 plus c. हमें इसको प्रूफ करना है इक्वल टू 1 plus a plus b plus c. तो इस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, आप अगर c1 में c1 plus c2 plus c3 अप्लाई कर दूं, ये क्या बन जाएगा, 1 plus a plus b plus c 1 plus a plus b plus c 1 plus a plus b plus c, और बाकी एज इट इज b 1 plus b b c c 1 plus c. अब क्या मैं पहले कॉलम में से 1 plus a plus b plus c कॉमन ले सकता हूं? तो क्या बचेगा, 1 1 1, बी सी 1 plus b c b 1 plus c. अब हमें दो जीरोस बनाने हैं, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा r1 tends to r1 minus r2 and r2 tends to r2 minus r3. 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1. b में से 1 plus b गया तो -1, 1 plus b में से b गया तो 1 b, c minus c 0, c minus 1 plus c -1 और 1 plus c. और हमारा कॉमन क्या है, 1 plus a plus b plus c. अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करता हूं, 1 plus a plus b plus c तो बाहर है ही, ब्रैकेट में 0 1 minus 1 b 1 plus c, -1 plus 1 हो जाएगा, 0 minus 1 1 1 plus c प्लस 0 0 1 1 b.
वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो, प्लस वन जीरो प्लस वन प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो, तो हमारा आंसर आ गया वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी। हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ऑल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू नाइन, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन बाई यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये बहुत लेंदी है, लेकिन इसका एक एक साइन का आप ध्यान रखिएगा जब सॉल्व चालू करें। तो हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू नाइन, और एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन। तो इसमें जो ए होता है, ए मैट्रिक्स होती है, वो इनके कोफिशियंट होते हैं। एक्स का कोफिशियंट क्या है, वन वन टू। ए मैट्रिक्स हो गई वन वन टू, वन टू माइनस वन, वन माइनस थ्री थ्री। जो बी मैट्रिक्स होती है वो ये एलिमेंट होते हैं जीरो नाइन माइनस फोर्टीन, और एक्स मैट्रिक्स होती है एक्स वाई जेड। ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ए मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट से बनती है, बी जो इनके लास्ट वाले एलिमेंट से बनती है, और एक्स तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड से बनती है। हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट वन वन टू, वन टू माइनस वन, वन माइनस थ्री थ्री। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा वन टू माइनस वन माइनस थ्री थ्री, माइनस वन वन माइनस वन वन थ्री, प्लस टू वन टू वन माइनस थ्री। तो ये आ गया वन सिक्स माइनस थ्री माइनस वन, थ्री प्लस वन प्लस टू माइनस थ्री माइनस टू। तो ये आ गया थ्री माइनस फोर माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस इलेवन। तो माइनस इलेवन हमारा डिटरमिनेंट आ गया, हमारा डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स सी वन वन। सी वन वन क्या होगा, टू माइनस वन माइनस थ्री, थ्री माइनस वन की पावर वन प्लस वन विच इज इक्वल टू थ्री। सी वन टू, सी वन टू क्या होगा, वन माइनस वन वन, थ्री माइनस वन की पावर वन प्लस टू। तो ये आ गया थ्री प्लस वन फोर, लेकिन इनका सम ऑड है तो माइनस साइन, जो साइन जो भी है उसको अपोजिट कर दीजिए आप। अभी हमारा प्लस फोर आ रहा है तो उसको हम लिख देंगे माइनस फोर। सी वन थ्री, वन टू वन माइनस थ्री, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव। सी टू वन, वन टू माइनस थ्री थ्री, माइनस वन की पावर टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स नाइन, क्योंकि सम ऑड है साइन चेंज हो गया माइनस नाइन हो जाएगा। सी टू टू, वन टू वन थ्री की पावर माइनस वन टू प्लस टू विच इज इक्वल टू वन। सी टू थ्री, वन 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 माइनस थ्री, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री विच इज इक्वल टू फोर। सी थ्री वन,
वन टू टू माइनस वन, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन माइनस फाइव, सी थ्री टू वन टू वन माइनस वन, माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू थ्री, सी थ्री थ्री वन 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 टू इज इक्वल टू वन। तो हमारी मैट्रिक्स आ गई थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस नाइन वन फोर, माइनस फाइव थ्री वन। एडजॉइंट के लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो अब हमारा जो ट्रांसपोज आएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा हमारा थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस नाइन वन फोर, माइनस फाइव थ्री वन। तो हमारा इनवर्स आ गया, इसको मैं डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं अगर, तो माइनस वन बाय इलेवन ऑफ दिस। अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि हम इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स बी निकालेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से, और बी क्या है, जीरो नाइन माइनस फोर्टीन। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू जीरो माइनस एटी वन प्लस सेवेंटी, जीरो प्लस नाइन माइनस फोर्टी टू, जीरो प्लस थर्टी सिक्स माइनस फोर्टीन, और भार है माइनस वन बाय इलेवन। ये किसके इक्वल है, एक्स के, और एक्स किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के। तो ये आ गया हमारा माइनस इलेवन माइनस थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी टू, और भार है माइनस वन बाय इलेवन। तो हमारा एक्स आ गया वन, वाई आ गया थ्री, और जेड आ गया माइनस टू। हमने हर स्टेप में प्लस माइनस ठीक किया है, इसलिए जाके हमारा आंसर ठीक आया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है और हर पॉइंट पर कैलकुलेशन है, तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से करें और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री विच इज पैरेलल टू द लाइन टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। हमें जो रेखा ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इन दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब डी वाई वाई वन बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई टू बाय डी एक्स। हम इसका पहले डेफिनेशन करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसको आप वाई वन मान लीजिए, तो डी वाई वन बाय डी एक्स क्या हो गया, टू एक्स माइनस टू, और 2x प्लस नाइन इज इक्वल टू वाई, टू इज इक्वल टू डी वाई टू वाई डी एक्स। हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो हमारा 2x माइनस टू इज इक्वल टू टू आ गया, x इज इक्वल टू टू, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री है। इसमें हम x की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारा y निकल के आ जाएगा थ्री। Now, हमारी इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज थ्री, डी वाई बाय डी एक्स टू एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ गई, इट इज आवर आंसर। If the radius of a sphere is measured as 7 cm with an error of 0.01 cm, find the approximate error in calculated volume. तो volume मतलब y is equal to 4 by 3 pi r cube. जब भी हमें approximate निकालना होता है तो उसका formula होता है delta y is equal to dy by dx del x. तो इसमें हम r को x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4 by 3 pi x cube. पहले हम y निकाल लेते हैं, तो y इज 4 बाय थ्री पाई इज 22 बाय सेवन,
आर इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, विच इज 88 मल्टीप्लाइड बाय 49 बाय 3, विच इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाइड बाय 49 इज इक्वल टू 4312 अपॉन 3। अब हम डेल वाई निकालते हैं, तो हमारा वाई क्या था, 4/3 पाई एक्स क्यूब। डेल वाई के लिए हमको क्या चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स डेल एक्स। तो 4/3 पाई एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x2, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो डेल वाई हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स। एक्स की वैल्यू हमको गिवन है 7 और डेल एक्स की 0.01, विच इज इक्वल टू 0.04 पाई इंटू 49, विच इज इक्वल टू 1.96 पाई। पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7, पॉइंट आइए 0 आएगा, 28 और कैंसिल करते हैं इसको, तो 7/25 विच इज इक्वल टू 154/25। हमारा फाइनल आंसर होता है वाई प्लस डेल वाई, हमारा वाई क्या था, 4312/3 + 154/25। 4312/3 इज इक्वल टू 1437.33 प्लस 154/25 इज 6.16, और आंसर इज, इसको हम 3-4 अप्रोक्स ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है 0.51443.50। इट इज आर फाइनल आंसर वाई प्लस डेल वाई। आज का लेक्चर पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमारी ईमेल आईडी a1tveducation@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया है, कल हम इसके आगे चलेंगे और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।